नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटो मोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज जो बाइक है हमारे पास सर्विस के लिए आई है, टीवीएस अपाची आरटीआई 160। तो आज हम इसका इंजन ऑयल चेंज करने जा रहे हैं दोस्तों, और ये V6 वाली वेरिएंट है और ये सर्विस के लिए बाइक आई थी और सर्विस इसका हो चुका है। तो हम इसमें जो डालने वाले हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल हमने ले लिया और कैस्ट्रोल पावर अल्टीमेट हम इसमें इंजन ऑयल डालने वाले हैं। 10W40 का ग्रेड हो गया, V6 रेडी फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, इंजन शैम्पू इसके साथ, इंजन शैम्पू भी आपका फ्री आ रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो पावर अल्टीमेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसके बाद इंजन शैम्पू जो है कि बिल्कुल फ्री 70 ml का यहाँ पे आ रहा है और 1 लीटर का आपका इंजन ऑयल है दोस्तों, और 150 रुपये आपको फ्री यहाँ पे मिल जाएगा देख सकते हैं। और स्टेप जो यूज करने का स्टेप है दोस्तों देख सकते हैं। तो इस शैम्पू को हमें कैसे यूज करना है दोस्तों, इस शैम्पू को कैसे यूज करना है इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैम्पू को हम कैसे यूज करें और किस तरह से मतलब कि हमें क्लीन करना है। आप किसी भी बाइक में डालना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मतलब कि टीवीएस अपाची में ही सिर्फ डाल सकते हैं, मतलब किसी भी बाइक में अगर डालना चाहते हैं। और शैम्पू अगर क्या होता है दोस्तों कि 10 से 12 हज़ार किलोमीटर अगर अपनी बाइक को आप चला लेते हैं तो क्या होता है कि एक बार इंजन को फ्लश करना पड़ता है, तो ये जरूरी है किसी भी बाइक में अगर आप कर सकते हैं, ये सैंपल भी आपको अलग से आ जाएगा ठीक है। तो चलिए यूज कैसे करना है दोस्तों, हम चलिए पहले ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल आपने देखा होगा, पहले से अलग आता था, यहाँ पे फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल आपका 1 लीटर में। तो देख सकते हैं ये जो MRP इस पे देख सकते हैं दोस्तों, तो 694 रुपया सिर्फ इंजन ऑयल का MRP हुआ, लेकिन इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पे तो शैम्पू जो है आपका फ्री में आ रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 70 ml का सैंपल है दोस्तों जो कि फ्री है, 150 रुपये का पड़ता है। टोटल MRP की बात करें अगर दोस्तों तो 694 रुपया यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 150 रुपये आपका सैंपल का, और टोटल अगर MRP की बात करें तो 844 रुपया, जिसको कम करके कंपनी सिर्फ इंजन ऑयल का ही प्राइस ले रही है, 694 रुपया यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम कैसे इसको यूज करना है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बाइक है दोस्तों, तो बाइक का जहाँ यहाँ पे है यूज करने का जो प्रोसेस है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो चलिए हम लाइव मतलब कि डेमो करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम इस कैप को ओपन करना है, इंजन ऑयल को हमें बाहर नहीं करना है, इंजन ऑयल जो है कि बाइक के अंदर ही रहेगा पुराने वाला, और इसको ओपन करना है यहाँ से फर्स्ट स्टेप। और ये जो शैम्पू है देख सकते हैं आप यहाँ पे कैस्ट्रोल का इंजन शैम्पू, तो इसे ओपन करना है आपको, और इसे ओपन करके और देख सकते हैं, और इसे हमें पहले इसमें डाल देना है। तो पूरा का पूरा शैम्पू जो है दोस्तों इसमें हमें ऐसे डाल देना है, डालने के बाद इस कैप को आपको लगा देना है, और लगाने के बाद देख सकते हैं और बाइक को आपको स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ से बाइक को ऑन करना है, ऑन करके बाइक को स्टार्ट करके आपको 5 मिनट तक छोड़ देना है। तो देख सकते हैं बाइक हमारा स्टार्ट है, तो देख सकते हैं लगभग 5 मिनट हो चुका है। अब बाइक को हम बंद कर देंगे, यहाँ से बाइक को हमें बंद कर देना है। बाइक को बंद करने के बाद अब इसके इंजन ऑयल को हम नीचे गिराएंगे, तो चलिए हम इंजन ऑयल को बाहर करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट लगभग हो चुका है दोस्तों, और कब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इंजन ऑयल को हमें गिराना है। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर में, और यहाँ पे 17 नंबर का आपका डायल रिंच हो या रिंग रिंच हो या गोटी रिंच है आपका लगने वाला, तो वहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट दिया हुआ रहता है, और यहाँ पे 10 नंबर का भी दो रहता है, तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से हमें इंजन ऑयल को बाहर करना है। देख सकते हैं कितना कचरा इसमें निकला है, देख सकते हैं जो भी मतलब कचरा होगा दोस्तों ये पूरा का पूरा इंजन ऑयल के माध्यम से आपका बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा क्लच प्लेट उलेट सारा चीज को ये क्लीन कर देगा, देख सकते हैं बहुत ज्यादा कचरा है। पूरा इंजन ऑयल को गिरने देते हैं, तो यहाँ से आपको ओपन कर लेना है दोबारा, और यहाँ से अगर आपका ईयर का सुविधा हो तो ईयर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ईयर का जब यूज करेंगे दोस्तों तो जो भी गंदगी होगा वो सारा कुछ आपका बाहर आएगा, देख सकते हैं पूरा का पूरा इंजन ऑयल यहाँ पे निकल चुका है, और कितना इंजन ऑयल आया है देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे 900 ml 100 ml भर पूरा का पूरा इंजन ऑयल हमारा बाहर आ चुका है। पे हमारा दोस्तों मोबिल फिल्टर होता है, इसे भी हमें चेंज करना है जब भी आप इंजन ऑयल को चेंज करते हैं, तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं।
कितना मात्रा में गंदगी निकला है आप देख सकते हैं। देख सकते हैं और यहां से आपको फिल्टर को बाहर कर लेना है। देख सकते हैं फिल्टर का भी कंडीशन बहुत खराब है और यहाँ पर देख सकते हैं वाइल में कितना ज्यादा कचरा है दोस्तों, पूरा का पूरा गंदगी को यह बाहर कर दिया है। फिल्टर हमें डालना जरूरी है इसलिए क्योंकि वाइल को फिल्टर करके हमारे यहाँ से होते हुए हेड पे इंजन वाइल आता है और रिटर्न फिर द्वारा इंजन में जाता है, और अगर फिल्टर अगर जाम रहेगा तो आपके इंजन में हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा और ये अच्छी तरह से मतलब की हेड पे इंजन वाइल को नहीं दे पाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मोबिल फिल्टर है दोस्तों, 46 रुपया इसके MRP है और पार्ट्स नंबर आप देख सकते हैं जेन्युइन, ये आपका TVS कंपनी का है। तो चलिए ओपन करते हैं और जेन्युइन में आप देखेंगे दोस्तों जब ओपन करेंगे तो इसका अंदर भी आपको कवर मिल जाएगा, अंदर भी प्लास्टिक पैकिंग रहता है, उसके बाद आपको क्वालिटी सही समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे माहौली का यहाँ पे फिल्टर है दोस्तों, देख सकते हैं और इस तरह से आपको लगाना है और लगाने तो देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, फुल टाइट हो चुका है। चलिए अब उस साइड बोल्ट को लगाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप है दोस्तों और यहाँ पे वॉशर होता है, ये भी चेंज कर लेना, और यहाँ पे मैग्नेट होता है और मैग्नेट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जो कचरा होता है सारे को फ्लश कर दिया है ये शैम्पू डालने के बाद, और यहाँ पे वॉशर होता है, अगर खराब हो आपका तो चेंज कर लेना है। तो देखिए इंजन ऑयल हमारा पूरा का पूरा इंजन ऑयल निकला है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 लीटर पूरा का पूरा प्रॉपरली 1 लीटर हमारा इंजन ऑयल आया है। और चलिए इस कैप को आपको लगा देना है, तो यहाँ से इस तरह से क्लीन कर लेना है आपको, चलिए ये फुल टाइट हो चुका है। चलिए अब इंजन ऑयल को डालते हैं। तो देख सकते हैं अब इंजन ऑयल को ओपन करना है आपको, और कैस्ट्रोल की क्वालिटी के बारे में तो हमें बताने ही दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, देख सकते हैं फुल्ली सिंथेटिक है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा 1 लीटर हमारा आ चुका है इसमें, और यहाँ पे भी आप देखेंगे इंजन पे भी तो आपको यहाँ पे भी 1000 ml का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखेंगे तो 1000 ml यहाँ पे 1000 ml डालने का यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी बाइकों में आपको नहीं मिलेगा लेकिन TVS के बाइकों में आपको अक्सर मिल जाएगा। तो चलिए हो चुका है हमारा, अब इसे कैप को लगा देना है। चलिए कम्प्लीट हो चुका है और एक बार आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा देते हैं, देख सकते हैं ऑन करते हैं। साउंड की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं साउंड है। तो इस तरह से इंजन ऑयल को आपको चेंज करना है दोस्तों, शैम्पू का जो यूज करने का प्रोसेस है आपने देखा कि इस तरह से आप शैम्पू को यूज कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आपके एरिया में इस इंजन ऑयल का क्या प्राइस पड़ता है दोस्तों कमेंट्स में आप जरूर बताएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।